विरार की दे रहा है 930 रुपए। आगे जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे ना वैसे अभी नाइट में नहीं काम करना है, बट अभी भंडू पे फंसा हुआ है। मेरा ना दिमाग काम नहीं किया कि मैं कौन से साइड में जाऊँ कौन से साइड नहीं जाऊँ। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज। अभी के जो है ना भाई 4:40 होने आया है और मैंने अभी जस्ट लॉग इन किया है मैंने, बिकॉज ऑफ आज जो है ना मैंने इवनिंग को लॉग इन किया है कि बच्चों लोग को जो है ना छुट्टी थी स्कूल में। कल ही रात को नोटिफिकेशन आया कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है तो छुट्टी है। सो उसी के लिए जो है ना मैं सोचा था कि सुबह का टाइम जो है ना थोड़ा बच्चों के साथ स्पेंड करते। सो काफी मजा आया, घर पे था दोपहर तक, अभी जस्ट मैंने लॉग इन किया है। लेट्स सी अभी रात तक मैक्सिमम कितना टाइम मैं काम कर सकता हूँ और कितनी अर्निंग कर सकता हूँ। इवनिंग के टाइम पे खाली बैठने से अच्छा बोला कुछ काम करके आते, जो भी 1500 बचा के लाया वो। उबर को जो है ना मैं थोड़ी देर के बाद लॉगिन करता हूँ, मतलब कि 10-15 मिनट के बाद। रेट बहुत ही कम चल रहा था, 111 सेकंड बाकी है सिग्नल में, 10 मिनट का टाइम बाकी है। तो मैं चलता हूँ पेट्रोल पंप पे, थोड़ा सा जो है ना मुझे नाइट्रोजन फिल करवाना है। जहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ ना वहाँ पे है ना पेड़ है। सो जैसे ही मैं आता हूँ ना गाड़ी के पास, पूरे पेड़ के पत्ते है ना बारिश की वजह से है ना गाड़ी पे पूरे ढक जाते हैं। चीटियां रहती है ना वो ब्लैक कलर की, रेड वाली नहीं ब्लैक कलर की, मतलब कि गाड़ी के ऊपर रहती है, अंदर भी मुझे है ना चीटियां दिखती है बहुत सारी। सो पता नहीं अभी इतनी सारी नहीं दिखती, जब गाड़ी रुक जाती है ना तभी है ना धीरे धीरे बाहर आती है। सो ये विंडो के साइड से आती है, डैशबोर्ड के यहाँ से, और पीछे तो अभी तक दिखी नहीं, आज मुझे है ना पीछे भी दिखी है। सो लेट्स सी अभी कस्टमर का क्या रिएक्शन होता है अगर उसको चीटी दिखती है तो। 5 बज गए हैं अभी है ना, मैंने रैपिडो चालू रखा है, ओला भी चालू रखा है, और इसके साथ है ना अभी उबर भी ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे है ना यहाँ से निकलना है। सो जो भी मिलेगा ना मुझे तीनों में से उसमें ना लेके मैं यहाँ से पहले निकल जाऊंगा। यहाँ पे खड़ा हूँ ना वहीं से बुकिंग आ गई है, देखो कस्टमर भी है ना इधर ही आ रहे, चल के आ गए। साकी नाका पहुंचा हूँ और ये भाई है ना फोन नहीं उठा रहे। एक ट्रिप ली है मैंने मरोल की छोटी वाली, बट भाई फोन नहीं उठा रहे। लेफ्ट साइड में रुकता हूँ मैं, अदरवाइज है ना फिर इसको कैंसिल कर दूंगा। नहीं आ रहा, इतना क्या रुकने का, कैंसिल कर दिया। 419 रुपए दिया है लास्ट वाली ट्रिप में, छोटी छोटी बुकिंग बज रही है। खतरनाक ट्रैफिक है भाई, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। ये वाली अच्छी ट्रिप थी, 10 मिनट का ड्रॉप था, 1.5 किलोमीटर वाली ट्रिप थी, बट भाई साहब ने फोन ही नहीं उठाया। यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके भी कुछ मतलब नहीं, 215 गाड़ी है, मतलब कि 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। आखिरकार एयरपोर्ट ही आना पड़ा क्योंकि यार बाहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला ट्रैफिक है। आगे जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, उससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो अंदर की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट 200 गाड़ी है ना, ठीक है देखते कितना टाइम लगता है नंबर आने के लिए। दोनों में से जो भी बुकिंग अच्छी मिली वो लेके निकल जाऊंगा बाहर। थोड़ी देर है ना बाहर ही रुकता हूँ, उसके बाद अंदर जाता हूँ। 222 या 25 थी, 185 आ चुका है। थोड़ी गाड़ी आगे आ जाएगी ना, मतलब 100 के अंदर आ जाएगी ना, फिर मैं अंदर जाता हूँ। ओला ने 2 बुकिंग बजा दी, देखो विरार की दे रहा है 930 रुपए। इससे पहले जो है ना मुंबरा की बुकिंग दी, 2 बुकिंग दी है ना, अभी वापस टोकन पीछे चले जाएगा। चलते हैं अंदर, आ गया नंबर अपना 90 तक। 4 बुकिंग में जो बजेगी लेने की कोशिश करूंगा। ओला वापस वसा ही दे रहा है, देखो छोटी बुकिंग ली है एक सांता क्रूज वेस्ट की, क्या कर सकते भाई, लास्ट बुकिंग वही थी सो ले ली भाई। 8:15 तो हो गए, ड्रॉप किया है मैंने, देखो 35 मिनट लग गया, 7 किलोमीटर का 230 रुपए दिया है। महेंद्र की बुकिंग बज रही है, कांदीवली वेस्ट नहीं जाना है भाई वो साइड में। मैं अभी लिंकिंग रोड पे आया हूँ, यहाँ से कुछ वेट करते हैं। मैं ऑलमोस्ट जो है ना 15 मिनट बाकी है पिक टाइम खत्म होने में। मैं ना निकल गया वहाँ से, जा रहा हूँ अभी है ना टर्मिनल 1 की तरफ, टाइम ही जा रहा है सिर्फ। मुझे है ना वैसे अभी नाइट में नहीं काम करना है, घर की तरफ की बुकिंग लेके जाना है। T2 नहीं जाऊंगा, बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक रहता है उधर, तो अभी ना T1 पे ही जाऊंगा। सो ये आ गया मैं ताज सांता क्रूज में, पिकअप पॉइंट के बाजू में ही भाई एक बुकिंग आ गई तो मैंने ले ली। ये बुकिंग है मरोल की, 1052 हो गया गाइस, और है ना 487 रुपीस दिया है। मैं हूँ अभी भांडुप में, क्या बताऊं भाई भांडुप पहुंच गया मैं तो। ये बुकिंग जो थी ना ये मैंने उठाई थी मरोल की, मरोल पे ड्रॉप करने के बाद, मतलब कि पहुंचने वाला था तो कस्टमर ने बोला कि आगे जाना है, और मैंने बोला रेट अच्छा है तो चलेगा, बोला ऐड कर दो स्टॉप। वहां से मरोल से किसी को पिकअप किया और आए भांडुप अभी। 20 किलोमीटर का 487 रुपीस दिया है, अमाउंट तो अच्छा दिया, बट अभी भांडुप पे फंसा हुआ है। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है भाई, ऑलमोस्ट अभी यहाँ से घर पे जाऊँ क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो होगा भाई देखा जाएगा। सो ऑलमोस्ट कंसोली पहुंच गया मैं भाई, लोकेशन डाल के एक पनवेल की बुकिंग आई थी बट पता नहीं वो ऑटोमेटिक चली गई ऐप से।
एम्प्टी जा रहा हूँ मैं अभी, बहुत दिनों बाद मतलब शाम को मैं निकला, सो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो काम नहीं हो पाया। सी एन जी पंप पे पहुंच गया मैं भाई नेहरोल, कितने बजे, ऑलमोस्ट 11:45 होने आए। और गाड़ी में देखो भाई, गाड़ी में 3 सी एन जी है, 87 किलोमीटर चली है। क्या कैलकुलेशन से आज सी एन जी कम हुआ है ना, मतलब मुझे पता नहीं, इतना ट्रैफिक में भी नहीं चलाया मैंने, एक मतलब कि डेढ़ घंटा एक ट्रैफिक में यहाँ से बुकिंग लेके गया वही चली है, और इतना कम कैसे हुआ। आई थिंक सो लास्ट टाइम जब भी मैंने भरवाया तब भी उसके पास शायद प्रेशर नहीं था, अदरवाइज यार इतना तो मेरा अभी सी एन जी में 10 आते हैं तो 5 कम होते ना तभी मेरा 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर गाड़ी चलता है। सो ये तो भाई 90 किलोमीटर में मतलब आधे से भी कम हो गया। अभी मैं जैसे दोपहर को निकला ना तो सी एन जी जो है ना वो 2 ऑलरेडी कम था, तो समझ गया मैं लास्ट टाइम अभी भरवा था अभी प्रेशर बहुत ही कम था। सो सी एन जी भरवा के जो है ना मैं अपडेट करता हूँ आपको कितना सी एन जी आया है। 3 ट्रिप कम्प्लीट किए हैं, 1136 रुपए का काम हुआ है। तो आप जो है ना समझ लो मैं निकला था अराउंड 5 के बाद, मैंने पहली ट्रिप ली थी, अभी बज रहे ऑलमोस्ट 12 पकड़ लो, तो भाई कितना जो है ना वो काम कम हुआ है, मतलब कि बुकिंग जो है ना अभी जैसे मैंने ड्रॉप किया मैं गोहम डाल के आया, अदरवाइज इसमें जो है ना बुकिंग काफी अच्छी अच्छी बज रही थी, बट मुझे वो साइड जाना नहीं था, मेरा जो टारगेट था मोटिव था कि मुझे घर की तरफ आना है, तो इसलिए जो है ना मैं भांडुप से एम्प्टी आ गया घर पे, क्योंकि मुझे रात में काम नहीं करना है अभी फिलहाल, घर पे जो है ना टाइम पे पहुंचना है, ताकि मैं अभी 12 बज गए, अभी मैं वीडियो कभी एडिट करूंगा, फिर कभी सुबह निकलूंगा, कितने बजे उठूंगा, मतलब कि वो सब मेरे दिमाग में अभी चल रहा है। बहुत टाइम के बाद जो है ना मैं मतलब इवनिंग में निकला, अंधेरी में जाके ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, बुकिंग्स बज रही थी बट मेरा है ना दिमाग काम नहीं किया कि मैं कौन से साइड में जाऊँ कौन से साइड नहीं जाऊँ, यही चक्कर में एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट में भी सांता क्रूज वेस्ट की बुकिंग उठा ली मैं, हालांकि इवनिंग के टाइम पे कभी वेस्ट में जाता नहीं, मैंने गलती से नहीं मैंने सोच समझ के ही बुकिंग उठाई थी, क्योंकि चौथी बुकिंग थी 200 गाड़ी वेटिंग पे थी, उसके बाद और आधा पौना घंटा रुकना पड़ता, तो मैं वेस्ट में चले गया, वेस्ट से फिर बुकिंग नहीं मिली, मैं लिंकिंग रोड पे आया, लिंकिंग रोड से फिर बुकिंग नहीं मिली, तो मैं टर्मिनल 1 पे एम्प्टी आया। सो ये सब बहुत इसमें मैंने गाड़ी भी बहुत एम्प्टी चलाई है, 35 किलोमीटर के आसपास तो मेरी गाड़ी जो है ना एम्प्टी चली, मतलब ये 50 किलोमीटर पे मैंने ये इतना जो है ना वो अर्निंग की है 1136, मतलब ट्रिप काफी अच्छी अच्छी मिली बट एम्प्टी गाड़ी ज्यादा चली, और कंफ्यूज मतलब इवनिंग में मैं बहुत टाइम के बाद निकला तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। टोटल आप जो कुछ भी है, आपको जो भी प्लस माइनस करना है आप करके जो है ना आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा चलता है। सो व्लॉग को एंड करते हैं, लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।